everyone, I am Megha Mathur, moderator for today's webinar, welcoming you all to students' webinar organized by ICSI Jaipur chapter. Today we have with us a very renowned faculty, Amit Khandel sir, and for student Tech School. He is a chartered accountant, commerce graduate, and law graduate from Rajasthan University. He was awarded as doctorate in taxation by University of Rajasthan. He is having experience of around 15 years and been a mentor for rank holders, gold medalists, toppers, and for all the students. So here limiting my words, and I request you, sir, to start the webinar on the topic GST amendment. Hello everyone. Very, very good evening to all of you. This is a webinar for GST amendments, which are applicable for your upcoming exams. And we are starting the GST amendments for the examination of 2021 May or June exams. And आप लोगों को मैं बता दूं कि GST के जो amendments हैं, इस बार के exam में बहुत ही कम अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होने वाले हैं. एवरी टाइम हम लोग ये देखते हैं कि जब भी एग्जामिनेशन होता है तो जीएसटी के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं. अच्छा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पीडीएफ नोट्स मैं आज के वेबिनार में यूज करूंगा, ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आप लोगों को जो या तो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू आपको अवेलेबल करवा दूंगा. आप टेलीग्राम पर जाकर सीए डॉक्टर अमित खांडल आप टाइप करेंगे, वहां से आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे. तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वेबिनार को, और आप लोग इसको सेशन को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करिएगा. मैं आप लोगों को जो भी अमेंडमेंट्स एग्जाम में एप्लीकेबल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है इन कंपेयर टू इनकम टैक्स, बहुत ही लिमिटेड अमेंडमेंट्स इस बार के जीएसटी में एप्लीकेबल हैं, लेकिन आप लोगों से बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव बनाइएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज है मैं आपको टाइम भी दूंगा बीच में, आप अपनी क्वेरीज भी मेरे से पूछिएगा. एंड आप लोगों को जो भी कोई डाउट्स लगता है अमेंडमेंट्स के ऊपर वो भी आप मेरे से पूछेंगे. तो अगर हम इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा. तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की जीएसटी अमेंडमेंट की क्लास को. और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आई थिंक ये सब लोगों को आई थिंक पता भी होगा, लेकिन फिर भी बता दूं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे डेफिनेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, और मैं आप लोगों को बताऊं कि वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है यूनियन टेरिटरी पर. दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो यूनियन टेरिटरी है उसके डेफिनेशन में चेंजेस हुए हैं, और जब से जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है तब से यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन को चेंज किया गया है. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, आप लोगों को मेरा स्क्रीन प्रॉपरली शेयर हो रहा है, ऑडिबल है, एक बार मुझे कंफर्म कर दें ताकि मैं स्टार्ट कर दूं उसको. जी सर. ओके, थैंक यू सो मच. तो यूनियन टेरिटरी का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर आप देखो अंडमान निकोबार जो है यूनियन टेरिटरी है, सब लोग जानते हैं, राइट. इसके बाद में हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी है. यहां पर क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट था उसको आपको बताया मोदी गवर्नमेंट ने उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया था, तो उसके बाद से क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर पहले पूरा एक स्टेट था. अब इन लोगों ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर का एक पार्ट था लद्दाख, उस लद्दाख को एक अलग से सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया है. लद्दाख जो एरिया है दैट इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी, और एक दादर एंड नागर हवेली और एक दमन दीव, ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी होते थे. दीज आर टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज. इन दोनों को मर्ज करके दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है. तो अगर मैं अभी प्रेजेंट में बात करूं तो यूनियन टेरिटरी जो अभी हमारी कंट्री में है, वैसे तो नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी 8 है, सब लोग जानते हैं देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को यह पता होना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि यहां पर जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं ये तो एक्सक्लूसिवली यूनियन टेरिटरी है. अगर आप यहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो दोस्तों यहां पर यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होगा.
लेकिन तीन यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट पावर्स भी दी गई है, मतलब वहां पर चीफ मिनिस्टर होता है, वैसे वो यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहां पर स्टेट पावर्स गिवन है। अच्छा, उसके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके अंदर नाम आता है, एक तो दिल्ली का नाम आता है, राइट, और एक नाम आता है दोस्तों हमारा यहां पर पौंडीचेरी का, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का नाम आता है, और एक नाम आता है यहां पर जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर भी अब यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये जो तीन मैंने अभी अभी यूनियन टेरिटरीज के नाम लिए हैं, यहां पर दोस्तों एस जीएसटी एप्लीकेबल होगा, स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये ना तो फुल फ्लैश यूनियन टेरिटरी है और ना ही ये फुल फ्लैश स्टेट गवर्नमेंट है। यहां पर कुछ पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है भाई कि दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, ये तीन ऐसे स्टेट बोलो आप इनको, इनको आप जीएसटी में यूनियन टेरिटरी मत बोलो, आप इनको स्टेट बोलो, और यहां पर एस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। लेकिन ये जो पांच हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अच्छा जो दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे दोस्तों, इन सबको यहां पर कंबाइंड करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लद्दाख इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी। तो ये जो पांच नाम मैंने अभी अभी बोले हैं भाई, यहां पर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो दोस्तों यहां पर लगेगा सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, राइट, यहां पर सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। तो ये सारी बात है भाई, तो आप ध्यान रखना, दादर नागर हवेली को और दमन दीव को माइंड कर दिया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। लद्दाख इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लद्दाख है ये हमारे लिए सेपरेट यूनियन टेरिटरी हो गया है, राइट। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर ले जाता हूं भाई, आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं तो आप लोगों को ये अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़कर जाने, और जो नेक्स्ट अमेंडमेंट मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, अच्छा ये सारे अमेंडमेंट नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, सीए डॉक्टर अमित खांडलवा टाइप करिएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मैंने आज ही अपलोड किया है, राइट। अच्छा ये जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है दोस्तों, दैट इज इन रिलेशन टू लेवी ऑफ जीएसटी, राइट। आज का जो लेवी का अमेंडमेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग जीएसटी के अंदर आरसीएम के बारे में पढ़े होंगे, राइट। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूं आरसीएम का। आरसीएम यू नो वेरी वेल, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यू नो वेरी वेल, इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इफ अ सप्लायर इज प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू एनी रेसिपिएंट, राइट, if a supplier is providing any goods or services to the recipient, then who is liable to pay the GST? The recipient is liable to pay the GST. ये तो खैर आप लोग पहले से जानते होंगे। अमेंडमेंट क्या है दोस्तों, वो भी अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आप लोग जब सेक्शन 9 पढ़ते हो सीजीएसटी एक्ट का, अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे भाई हमने तो सेक्शन ही याद नहीं किया, तो भाई सेक्शन नंबर याद होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग सेक्शन नंबर को लर्न करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, राइट। ये तो ठीक है भाई, मेरी एक आदत है, और ठीक है जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर के थ्रू पढ़ने से मजा आता है, एक रेफरेंस हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्शन नंबर याद नहीं होगा तो आप गए काम से, ऐसा नहीं है। देखो तो सेक्शन 9 जब आप लोग पढ़ते हो ना जीएसटी लॉ के अंदर, तो सीजीएसटी का सेक्शन 9 आप लोगों को जब आप पढ़ोगे तो उसमें दो सब सेक्शन है, एक 9(3) और एक होता है माय डियर फ्रेंड सेक्शन 9(4). ये दोनों सेक्शन आरसीएम के हैं, थोड़ा थोड़ा याद आएगा आप लोगों को। ये जो सेक्शन 9(3) है ना, इसके अंदर तो नोटिफाइड सप्लाईज बताई गई है, नोटिफाइड सप्लाईज, गुड्स के बारे में भी बताया है एज वेल एज सर्विसेज के बारे में भी बताया है, राइट। तो ये वो नोटिफाइड सप्लाईज है
जहां पर दोस्तों आरसीएम विल बी एप्लीकेबल, राइट, वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लिस्ट बनी हुई है, बड़ी सी लिस्ट बनी हुई है सेक्शन 93 में, है ना। जब हम सेक्शन 94 की बात करते हैं दोस्तों, जब हम सेक्शन 94 की बात करते हैं, जब हम सेक्शन 94 की बात करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन, जब रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सप्लाई देगा तो उसका जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन जमा कराएगा। ऐसे आपने दो सेक्शन पढ़े थे आरसीएम में, राइट। एक तो आपने 93 पढ़ा होगा, एक आप लोगों ने सेक्शन 94 पढ़ा होगा, है ना। चलो तो मैं सबसे पहले 93 की बात करता हूं। तो 93 के अंदर अमेंडमेंट है दोस्तों, मैं आपको याद दिलाता हूं, वहां पर नंबर ऑफ सर्विसेज आप लोगों को एक लिस्ट बनाकर दे रखी थी कि भाई ये वो सर्विसेज हैं जहां पर सप्लायर जीएसटी जमा नहीं कराएगा। कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट जमा कराएगा। अच्छा दोस्तों, उसमें एक सर्विस का नाम होता था डायरेक्टर, कंपनी में होता है ना डायरेक्टर, डायरेक्टर सर्विस। तो डायरेक्टर अगर कोई भी सर्विसेज देगा कंपनी को, तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ऐसा आपने पढ़ा तो होगा, हाँ बोलो एक बार, सब लोग पढ़ा था ना आप लोगों ने, कि डायरेक्टर अगर कंपनी को कोई भी सर्विस देगा तो हु विल डिपोजिट द जीएसटी, द कंपनी इज लाइबल टू ए जीएसटी, उसका जीएसटी कंपनी जमा कराएगी, डायरेक्टर जमा नहीं कराएगा। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक सर्कुलर यहां पर इशू किया गया है। दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट इन दिस लिस्ट, ओनली अ सर्कुलर इज इशूड बाय सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। व्हाट इज द सर्कुलर? सर्कुलर चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए होता है, पता है ना आप लोगों को। तो यहां पर दोस्तों एक सर्कुलर इशू किया गया है। क्या है वो सर्कुलर? आई थिंक ये आप लोगों से पहले भी हम क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को यही बात बोल रहे थे, बस अब इतना सा डिफरेंस है कि भाई सीबीआईसी ने एक अलग से सर्कुलर निकाल कर दे दिया है ना। तो चलो भाई एक बार इस सर्कुलर को देख लेते हैं। अच्छा आप लोगों के एग्जाम में इस बार दोस्तों ये सर्कुलर पर पक्का क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बहुत अच्छे से समझ कर जाइएगा, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट मैं भी यूज कर रहा हूं ना पीडीएफ, यही मैं आप लोगों को वहां पर शेयर कर दूंगा, वैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ भी है टेलीग्राम पर। डायरेक्टर सर्विस की दोस्तों हम बात करते हैं। दोस्तों डायरेक्टर का काम है सर्विस देना अपनी कंपनी को, एंड आप सब लोग तो भाई अच्छे से जानते हो कि डायरेक्टर जो है वो एक तो फुल टाइम डायरेक्टर होता है और एक पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है। खैर आपसे अच्छा कौन जान सकता है। तो भाई ये जो फुल टाइम और पार्ट टाइम डायरेक्टर का जो इशू है, इस पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दोस्तों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है प्रोफेशनल्स के बीच में भी। अब सीबीआईसी ने इसको क्लैरिफाई किया है, और कैसे क्लैरिफाई किया है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये जो डायरेक्टर लोग होते हैं, ये कंपनी की जॉब कर रहे हैं या ये कंपनी को सर्विस दे रहे हैं? मतलब डायरेक्टर्स को सैलरी मिलना चाहिए या डायरेक्टर्स को फीस मिलना चाहिए? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। तो दोस्तों हम क्लास के अंदर नॉर्मली स्टूडेंट को यही पढ़ाया करते थे या यही पढ़ाया करते हैं कि भाई देखो जो फुल टाइम डायरेक्टर होता है ना, या जो एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, वो तो एम्प्लॉई होता है, वो तो कंपनी का क्या होता है भाई, एम्प्लॉई होता है, और उसे कंपनी से क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? सैलरी मिलती है, राइट। एंड यू नो वेरी वेल कि जो सैलरी वाली जो बात है ना भाई, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशन वाली बात है ना, यहां पर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों ने एक नेगेटिव लिस्ट पढ़ी होगी सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 जब आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पढ़ते हो,
तो वहां पर एक नेगेटिव लिस्ट बताई जाती है कि भाई ये वो ट्रांजेक्शंस होते हैं जिन्हें आप लोगों को सप्लाई नहीं मानना है। तो अगर आप एक फुल टाइम डायरेक्टर हो और अगर आपको सैलरी मिलती है भाई, तो उसके ऊपर तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ नेगेटिव लिस्ट। और जब जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा तो भाई आरसीएम लगाओगे या नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज लगाओगे, मैटर ही क्लोज हो जाता है ना। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो। अभी मैंने सर्कुलर को पूरा क्लैरिफाई नहीं किया, अभी मैं करूंगा। अभी तो मैं आपको ऊपर से जस्ट ओवरव्यू देकर चल रहा हूं। लेकिन दोस्तों, जो अदर डायरेक्टर्स होते हैं ना, अदर डायरेक्टर्स जो कि फुल टाइम डायरेक्टर नहीं होते हैं, वो कौन होते हैं? अरे भाई, वो तो पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर। उनको भला कौन सैलरी देता है? कोई नहीं देता उनको सैलरी। उनको जो भी रेमुनरेशन, जो भी फीस मिलेगी, जो भी उनको अमाउंट मिलेगा भाई कंपनी से, दैट इज नॉट सैलरी माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज नॉट सैलरी। सो इट इज नॉट कवर्ड इन अ नेगेटिव लिस्ट, इट इज नॉट कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। और इन दिस सिचुएशन जीएसटी इज एप्लीकेबल। दोस्तों, यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? यहां पर जीएसटी क्या हो जाएगा जी? एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो जीएसटी तो चलो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन उसको डिपॉजिट कौन कराएगा? दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। उस जीएसटी को जमा कौन कराएगा? तो भाई यहां पर डायरेक्टर सर्विस दे रहा है कंपनी को, कंपनी जमा कराएगी जीएसटी, ठीक है? ये वो सिचुएशन है जहां जीएसटी कंपनी को जमा कराना पड़ेगा। तो जब जब कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है, जब जब कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है, देन जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। एंड हु विल डिपॉजिट दिस जीएसटी अमाउंट? द कंपनी विल डिपॉजिट द जीएसटी अमाउंट, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था, बहुत बड़ा। क्या था वो इशू, मैं बताता हूं आपको भाई। कई बार क्या होता है कि जो ये फुल टाइम डायरेक्टर लोग होते हैं ना, फुल टाइम डायरेक्टर, इनको सैलरी के अलावा कुछ अदर रेमुनरेशन भी मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, राइट? अब भाई मैं सीए भी हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने लॉ भी कर रखा है। तो मुझे कंपनी ने बोला कि भाई आप डायरेक्टर हो, आप फुल टाइम डायरेक्टर हो, तो आपको हम इतना रुपया मंथली सैलरी देंगे, ठीक है? अच्छा दोस्तों, यू नो वेरी वेल कि सैलरी पर सेक्शन 192 में टीडीएस डिडक्ट होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा, एक सेक्शन होता है 192 जिसमें टैक्स डिडक्ट होता है सैलरी के ऊपर, राइट? और 194 जे एक सेक्शन होता है, उसके अंदर टीडीएस डिडक्ट होता है प्रोफेशनल टेक्निकल फीस, डायरेक्टर फीस, ये है ना, आप लोगों को याद आ रही है सब चीजें? तो भाई ये जो सेक्शन 194 जे है ना भाई, ये 194 जो जे है, इसमें टीडीएस डिडक्ट होता है। तो मुझे कंपनी ने बोला कि भाई अमित खांडर जी, आप फुल टाइम डायरेक्टर हो, हम आपको 1,00,000 रुपया महीने की सैलरी देंगे। मैंने कहा भाई दे दो। तो 192 में वो कंपनी वाले मेरा टैक्स डिडक्ट करेंगे। अच्छा, जब कंपनी मेरा टैक्स 192 में डिडक्ट करेगी, तो इट इज अ सैलरी, माय डियर फ्रेंड्स। और आप जानते हो सैलरी पर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज अ मैटर ऑफ नेगेटिव लिस्ट, ओके? लेकिन दोस्तों, उन्होंने मुझे कहा कि सर आप हमें अलग से कंसल्टेंसी दो, अलग से आप हमको कोई जो है कंपनी के लिए कुछ लीगल कंसल्टेंसी, कुछ टैक्स बचाने के तरीके बताओ। मैंने कहा भाई मैं उसके अलग से पैसे लूंगा। कि हाँ भाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे आपको पैसे। तो दोस्तों, अब जो मुझे पैसा मिलेगा, दिस इज नॉट गिवन बाई द रीजंस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन। वो मुझे एज अ फुल टाइम डायरेक्टर पैसा नहीं दे रहे हैं, वो मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मेरी प्रोफेशनल नॉलेज को यूज करने का मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। तो अब वो मुझे जो पैसा देंगे, उसका टीडीएस वो लोग कौन से सेक्शन में डक करेंगे, पता है आप लोगों को? वो अब की बार यहां पर सेक्शन 194 जे को लगाने वाले हैं।
अच्छा जैसे ही दोस्तों 194 जे एप्लीकेबल होगा तो अब मुझे सैलरी थोड़ी ना मिल रही है, अब तो मुझे प्रोफेशनल फीस मिल रही है, और प्रोफेशनल फीस जब मिलेगी ना दोस्तों तो मेरा टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो अंडर सेक्शन 194 जे होगा दोस्त, वो हमारा अंडर सेक्शन 194 जे होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 194 जे अगर एप्लीकेबल हो गया तो दोस्तों वहां जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जमा कराने की जिम्मेदारी डायरेक्टर की नहीं होगी दोस्तों, किसकी होगी? कंपनी की होगी। तो अगर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊं इस सर्कुलर का तो वो क्या है भाई, जीएसटी वालों ने बोला कि भाई हम इस माथापच्ची में नहीं पढ़ना चाहते वेदर इट इज अ फुल टाइम डायरेक्टर और वेदर इट इज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर। ना 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 भैया, ये इतनी सारी कहानी हमको नहीं देखनी। उन्होंने बोला कि भाई हम तो आपका टीडीएस चेक करेंगे, अगर आपका टीडीएस 192 सेक्शन में डिडक्ट हुआ है, अगर आपका टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट हुआ है 192 में, तब तो इसका मतलब जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता, सैलरी वाला मैटर हो गया, तो आरसीएम वाली बात को चेक ही क्यों करना है, मैटर ही खत्म हो गया जब जीएसटी नहीं है तो। लेकिन अगर 192 के अलावा आपका टीडीएस अगर 194 जे में डिडक्ट होता है, 194 जे में अगर टीडीएस डिडक्ट होता है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं अब की बार, नॉट मोदी सरकार, अब की बार दोस्तों टीडीएस यहां पर एप्लीकेबल हो गया है 194 जे में। सो इट इज नॉट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दिस इज नॉट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अब की बार दोस्तों जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और जमा कौन कराएगा भाई, क्या डायरेक्टर जमा कराएगा? ना 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 ना, ना डायरेक्टर जमा नहीं कराएगा, कंपनी जमा कराएगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, सर्कुलर ने क्लियरली बोला कि भैया हम तो डायरेक्ट टैक्स को पकड़ेंगे, वहां से देखेंगे कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है, अगर तुम्हारा टीडीएस 192 में डेट हुआ है जब तो हम तुमको छोड़ देंगे, जीएसटी का मैटर खत्म। अगर 194 जे में टीडीएस डिडक्ट हुआ है इसका मतलब जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी ऑलवेज कंपनी की होगी। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट भाई अगर इस पर कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बीच में बोलूंगा कि आप मेरे से क्वेरी पूछो, ताकि हमारा इंटरेक्शन थोड़ा सा लाइव हो, ऐसा लगे भाई हम टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है यहां पर। कोई भी डाउट, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, आप मेरे से पूछ सकते हैं प्लीज। अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, है ना? राइट, नो सर, होना भी नहीं चाहिए, है क्या कंफ्यूजन? हाँ पूछो भाई, कौन है? नहीं, नाम बता दो भाई। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर अभी तक तो। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो वो तो एग्जाम में पता चलेगा क्या आता है कंफ्यूजन, है ना? चलो कोई ना जी, कोई ना, कंफ्यूजन है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट यहां पर चेंज आया है ना वो हमारा सेक्शन 10 में आया है। यू नो कंपोजिशन स्कीम, याद है आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कंपोजिशन स्कीम? पता नहीं सर, पढ़ा तो था लेकिन अब तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, कोई ना, मैं याद दिला देता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। दोस्तों एक कंपोजिशन स्कीम होती है जीएसटी के अंदर, बहुत सारे लोग स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, पता है आप लोगों को? अब उनके लिए क्या होता है कि यार वो इनपुट क्रेडिट लें, आउटपुट टैक्स निकालो, फिर उसकी क्रेडिट एडजस्ट करो, बिल बनाओ, ये करो वो करो। तो गवर्नमेंट ने क्या है भाई, एक ऑल्टरनेटिव स्कीम दे रखी है कंपोजिशन, यू नो वेरी वेल, है ना? अब कंपोजिशन स्कीम में आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर ही एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 10-2A, एक सेक्शन था 10-2A, पहले ये नोटिफिकेशन के थ्रू था, बाद में गवर्नमेंट यहां पर एक नया सेक्शन लेकर आई थी 10-2A, ठीक है? अच्छा ये पता है सेक्शन जो 10-2A है ये किसके लिए था? दिस इज अ न्यू कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स,
क्योंकि हमारे यहाँ पर जीएसटी में प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मैं ट्रेडर हूं तो मेरे लिए कॉम्पोजिशन स्कीम होती थी, लेकिन अगर मैं एक एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर हूं भाई तो मेरे लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ही नहीं होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों गवर्नमेंट ने एक एक्सक्लूसिव कॉम्पोजिशन स्कीम यहां पर इंट्रोड्यूस करी थी फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, जहां पर जीएसटी रेट होता था 3% सीजीएसटी, याद आया, और 3% एसजीएसटी। ये दो रेट वहां पर लगती थी, मतलब कुल मिलाकर द इफेक्टिव रेट इज 6%। दिस इज अ न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम भैया, कुछ भी चेंज नहीं है, इतना सा बता दूं। अब इसको भी एक रूल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसकी जो रेट थी ना 6%, ये पहले आपको सेक्शन के अंदर बताई जाती थी, अब इसको रूल के अंदर डाल दिया गया है। कोई चेंज नहीं है, मतलब अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा भैया, कोई चेंज नहीं है सर, कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता भाई, सेक्शन से उठा के रूल में डाल दिया। तो आप लोगों को बस मैंने बता दिया है कि ये बात सेक्शन में थी, ये जो रेट 6% है ये सेक्शन में थी, अब इसको इन लोगों ने रूल के अंदर जो है ना इनकॉर्पोरेट कर दिया है, और कोई खतरनाक वाला अमेंडमेंट नहीं है भाई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो कोई ज्यादा खतरनाक बात नहीं है भाई, रूल में डाल दिया उसको। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप लोग एग्जम्पशन वाले चैप्टर पर। अरे सर ये तो बहुत खतरनाक वाला चैप्टर है, एग्जम्पशन तो इतनी सारी दे रखी है कि भगवान करे कैसे याद करें हम लोग। आप टेंशन मत लो, मैंने एग्जम्पशन के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, राइट, हैंड रिटन नोट्स। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को याद करने में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स यूज कर सकते हैं। That is also given on my Telegram channel. वहां पर मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री डाल रखे हैं वो। This is my handwritten notes, which is you can say कि मैंने क्लास में जो नोट्स बनाए थे ना वो है वो। तो आप लोग वो हेल्प ले सकते हो। चलो मैं आपको फटाफट से अमेंडमेंट्स के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। अच्छा फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे आप लोगों को कि भाई टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप लोग एक काम करना, मुझे एक व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, या आप लिख लो तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इस वाले नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मेरे को हैंड रिटन नोट्स एग्जामिनर के, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, इतनी सॉरी एग्जाम, लेकिन आई थिंक शायद इतना ज्यादा आप लोगों के एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी बता देता हूं। एग्जम्पशन वाला जो चैप्टर है भाई, सुनो मेरी सुनो, यहां पर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसके लिए एग्जम्पशन दी गई है। मुझे पता है आप लोगों का जो लेवल है वहां पर एग्जम्पशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है यार, एक बार पढ़कर जाओ, अमेंडमेंट हुआ है, क्या पता एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे यहां पर, पता थोड़ी होता है, राइट। चलो जी तो मैं आपको बताऊं भाई, देखो एक तो अमेंडमेंट हुआ है एंट्री नंबर 19A और 19B, छोटी छोटी दो एंट्रीज हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करो आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, इंसानों को नहीं सामान को, गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल, और माल हमेशा चालू होता है ना, ऐसा मैं क्लास में बोला करता हूं कि भाई गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो अपन यहां पर बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, राइट, किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। कोई भी पर्सन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देगा, ठीक है, या तो बाई एयरक्राफ्ट देगा या वो बाई वेसल देगा, हवाई जहाज या पानी का जहाज। एयरक्राफ्ट हो गया हवाई जहाज, वेसल हो गया भाई पानी का जहाज। कहां से कहां तक? इंडिया से इंडिया के बाहर। अच्छा ओके सर, इंडिया से इंडिया के बाहर, मतलब वो क्या करेगा जी, यहां से सामान को लेकर जाएगा और दूसरे कंट्री में लाकर छोड़ देगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दिस इज अ सर्विस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल था ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने
इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया, दिस इज द अमेंडमेंट। ये एग्जम्पशन पहले 30 सितंबर तक थी। कैलेंडर कहां से खुल गया भाई बीच में? ये एग्जम्पशन पहले 30 सितंबर 2020 तक थी। गवर्नमेंट ने इसको सीधा सीधा दोस्तों एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब ये एग्जम्पशन 30 सितंबर 2021 तक काम करेगी दोस्तों। तो एंट्री नंबर 19A और 19B में एग्जम्पशन की टाइम लिमिट को 1 ईयर के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। चलो आगे एक नया एंट्री यहां पर जुड़ा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छे से पढ़कर जाइएगा, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस। ओ माय गॉड, सैटेलाइट लॉन्च। पता है भाई ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है इनका नाम पूरी दुनिया जानने लगी है भाई। इसरो, इसरो का नाम हमारे देश का है ये इसरो, इंडिया का, इंडियन शॉर्ट में इसरो बोलते हैं। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, और एक है भाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये जो तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है भाई, इनका काम सैटेलाइट लॉन्च सर्विस देना। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन सच्ची में दोस्तों इंडिया के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या सर्विस देते हैं? सैटेलाइट को लॉन्च करने की सर्विस देते हैं। अगर आपको भी अपना कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करवाना हो तो आप इन 3 की मदद ले सकते हैं, राइट? अच्छा सुनो दोस्तों, ये 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये लोग जब कोई भी सर्विस देते हैं तो भाई उस पर GST नहीं लगेगा। सर एक बात बताओ, ये लोग अगर इंडियन कस्टमर्स को देंगे तो नहीं लगेगा, या इंडिया के बाहर देंगे तो भी नहीं लगेगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अच्छा आप में से कौन बताएगा बताओ, ये एग्जम्पशन कब काम करेगी? इंडिया में सर्विस देने पर या इंडिया के बाहर? ये एग्जम्पशन कब काम करेगी? चलो बताओ फटाफट से, जो भी बच्चे सुन रहे हो बताओ, कौन बताएगा फटाफट बताओ? बता दो भाई फटाफट बताओ, ये एग्जम्पशन कब काम करेगी? इंडिया में सर्विस देने पर काम करेगी या इंडिया के बाहर सर्विस देने पर काम करेगी? प्लीज टेल मी, कब काम करेगी ये? इंडिया में, अरे सो तो इंडिया में सर्विस देने से, इंडिया में सर्विस देने से। ये बाकी लोगों को म्यूट कर रखा है क्या, इसलिए नहीं बोल पा रहे क्या लोग? नहीं सर, वो अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, वो खुद कर सकते हैं क्या अनम्यूट? अच्छा, राइट। सर कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई तो किया ही नहीं है ना कि इंडिया में देनी है या बाहर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा एनालिसिस बताया आपने पूजा गोयल, बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? बस इतने ही लोग हैं। चलो मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही बात है जी। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि एग्जम्पशन इंडिया में सर्विस देने पर ही मिलेगी? अरे भाई, इंडिया में सर्विस दी गई हो या इंडिया के बाहर दी गई हो, दोनों सिचुएशन में एग्जम्पशन होने वाली है, दोनों सिचुएशन। जी कौन बोलना चाह रहा है? चलो कोई नहीं बोलना चाह रहा। चलो जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो भाई। यहां पर एग्जम्पशन में कोई आपको डाउट हो, बस इतने से चिन्ह से 3 अमेंडमेंट है, बताओ। गिनती के 3 अमेंडमेंट एग्जम्पशन वाले चैप्टर में, इससे ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, बहुत कम अमेंडमेंट हुए इस बार, तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं जो नेक्स्ट अमेंडमेंट लेकर आऊंगा भाई, ये हुआ है हमारे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार एग्जाम में रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगर मैं सच बताऊं ना, तो अमेंडमेंट हुआ ही रजिस्ट्रेशन में है, और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा सर क्या अमेंडमेंट हो गया? अरे भाई, रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा वंस अपॉन ए टाइम, अभी तो पता नहीं आपको याद है या नहीं, मैं आपको हल्का सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं।
आप लोगों को मैं यहाँ पर याद दिलाता हूँ रजिस्ट्रेशन में आपने क्या पढ़ा था। आपको पता है रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है जीएसटी में? जो जीएसटी पे करने के लिए लाइबल होता है। अगर आप जीएसटी को पे करने के लिए लाइबल हो, अगर एक लिमिट क्रॉस हो गई है, या आप उस कैटेगरी में आते हो कि आपको फर्स्ट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो जिस दिन आप लाइबल हो जाओगे वहां से आपको 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ता था, याद आया? और उसका एक फॉर्मेट होता था जीएसटी आर वन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जीएसटी आर ई जी जीरो वन, गलत बोल गया मैं, GST REG01, ये वो फॉर्मेट होता था जिसमें हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे, है ना? तो ये वो फॉर्मेट था माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे और हमको 30 डेज का टाइम मिलता था रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का। अच्छा, जब हम अप्लाई कर देते थे दोस्तों, तो याद करो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन वहां सबमिट हो जाती थी, तो वो जो ऑफिसर होता था, अगर एवरीथिंग इज ओके, हमारा पैन ओके है, सब कुछ हमने इसमें सही भरा है, अच्छा हमको वहां पर एक पार्टे भरना पड़ता था, याद आया आप लोगों को? पार्टे, जीएसटी आदि जीरो का पार्टे होता था, जिसमें पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना पड़ता था, फिर एक टीआरएन नंबर जनरेट होता था, उसके थ्रू आप पार्ट बी भरते थे। अच्छा, जब आपका पार्ट बी सक्सेसफुली सबमिट हो जाता था, कोई पेंडेंसी नहीं होती थी, तो ऑफिसर को विदिन 3 डेज रजिस्ट्रेशन करके देना पड़ता था, याद आया आप लोगों को? 3 दिन में रजिस्ट्रेशन करके देना पड़ता था, और अगर उसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो ऑफिसर आपको नोटिस देता था विद इन 7 डेज, और 7 दिन के अंदर आपको उसका रिप्लाई करना पड़ता था। 7 दिन में वो नोटिस देगा, 7 दिन में आप रिप्लाई करोगे, उसके बाद वो आपके रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता था और कैंसिल भी, आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकता था। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था ना दोस्तों? यहां पर गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया है, और वो इंपॉर्टेंट चेंज क्या है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देना चाहता हूं। यहां पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है दोस्तों, प्रोसीजर, उसके अंदर यहां पर चेंज किया गया है। क्या प्रोसीजर है भाई? तो एक चीज और बताऊं आप लोगों को, वहां पर आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ऑफिसर ने 3 दिन में रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिया, विद इन 3 डेज अगर रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिया, तो रजिस्ट्रेशन को डीम्ड टू बी ग्रांटेड मान लेंगे, पढ़ा था आप लोगों ने। अगर 7 दिन में आपने क्वेरी दे दी सामने वाले को, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया 7 दिन में ऑफिसर ने, तो भी वो डीम टू बी ग्रांटेड मान लिया जाता था। बहुत खतरनाक प्रोविजन थे। तो दोस्तों उन्हीं चीजों को यहां पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखो 3 दिन यार बहुत कम होते थे गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, आप जानते हो लोगों की आदत वैसे काम बहुत धीरे तरीके से करते हैं, तो सरकार ने यहां पर थोड़ा सा टाइम लिमिट को बढ़ाने की कोशिश करी। कैसे करी दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आधार ऑथेंटिकेशन आपको करवाना पड़ता है। आधार ऑथेंटिकेशन मतलब आधार ओटीपी जनरेट होता है, आपका मोबाइल जो है वो आधार से कनेक्टेड होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, वेयर एन एप्लीकेंट, ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये रूल नंबर 84A में हुआ है कि कोई भी एप्लीकेंट अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25(6)(d). अब आप कहोगे सर ये क्या है 25(6)(d)? दोस्तों ये वो लोग हैं जिनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना पड़ता। सपोज आप इंडियन सिटीजन ही नहीं हो और आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो, तो आपका आधार कैसे होएगा? तो आपको छूट है, आपको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना। सरकार कुछ लोगों को नोटिफाई कर सकती है जिनके ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको तो छोड़ दो भाई, बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको भैया आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। सर आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल करवाना पड़ेगा। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया है, शैल वाइल सबमिटिंग दी एप्लीकेशन, दोस्तों आप जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाओगे तो आधार का ऑथेंटिकेशन आपको करवाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों
ये कितने दिन में करवाना पड़ता है, इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट को बदल दिया गया है। भाई वैसे तो 3 वर्किंग डे होते हैं, सरकार बोली हाँ जी अभी भी 3 वर्किंग डे हैं, टेंशन मत करो, हम 3 वर्किंग डे को नहीं बदल रहे। मतलब उन्होंने 3 वर्किंग डे ही रखे हैं। लेकिन सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले 3 वर्किंग डे कहां से गिनते थे जी, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। मतलब आप लोग जिस दिन एप्लीकेशन को सबमिट कर देते थे भाई, वहां से 3 दिन। अब इन्होंने पता है क्या किया, एप्लीकेशन को सबमिट करने का दिन का मीनिंग ही चेंज कर दिया। एप्लीकेशन कब सबमिट मानी जाएगी उसको ही चेंज कर दिया यार। अच्छा सर उसको कैसे चेंज कर दिया बताता हूं। यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन को सबमिट करने का मतलब चेंज कर दिया गया है, वर्किंग डे तो 3 ही है लेकिन एप्लीकेशन कब सबमिट होगी भैया उसका मीनिंग बदल दिया है यहां पर। अच्छा क्या कर दिया मीनिंग, तो भाई 2 चीजें हैं ध्यान रखना, यही है वो इंपॉर्टेंट चेंज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 2 चीजें हैं दोस्तों, पहला डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। ओहो जिस दिन आप अपने आधार नंबर को ऑथेंटिकेट करवाओगे वो दिन, और जिस दिन आप पार्ट बी में जो एप्लीकेशन देते हो REGGO वो दिन, इन दोनों में से दोस्तों जो भी अर्लियर होगा, ये जो दोनों है ना इनमें से जो भी अर्लियर होगा, विच एवर इज अर्लियर जो भी दोनों में से अर्लियर होगा उसे एप्लीकेशन सबमिट करने का दिन माना जाए, वो है एप्लीकेशन को सबमिट करने का दिन। दोस्तों एप्लीकेशन को सबमिट करने का दिन किसको बोलेंगे, जिस दिन आप अपना आधार ऑथेंटिकेट करवाओगे वो, और 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपने आधार जल्दी से ऑथेंटिकेट करवा लिया है तो फिर सरकार को प्रॉब्लम कहां है, तो सरकार ने सीधा सीधा 15 दिन मांग लिया आप लोगों से कि भाई आधार ऑथेंटिकेशन कराने का दिन और एप्लीकेशन को सबमिट करने का दिन, उन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वहां से अब 3 वर्किंग डे गिने जाएंगे। और ये जो 3 वर्किंग डे हैं दोस्तों, ये जो 3 वर्किंग डे हैं ये कहां से गिने जाएंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। सर एक बात बताओ, कोई बंदा अगर आधार ऑथेंटिकेशन ना करवाए तो? दोस्तों अगर आप आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं करवाओगे, या करवा सकते थे लेकिन आपने ऑप्शन ही नहीं लिया आधार ऑथेंटिकेट करवाने का, एक तो होता है कि आप करवा ही नहीं पा रहे हो, एक हो सकता है कि आप करवा तो सकते थे लेकिन आपने करवाया नहीं, तो दोस्तों ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन केवल फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा। दोस्तों GST के अंदर पहले फिजिकल वेरिफिकेशन वाली की बात नहीं होती थी कंपलसरी, ऑफिसर की इच्छा पर होता था, लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन में तो देखो डिपार्टमेंट कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते हो, या आप आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते हो, तो दोस्तों आपको यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा अपने प्लेस ऑफ बिजनेस का। अच्छा सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल करवाना पड़ेगा, जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है ना आपका उसका फिजिकल वेरिफिकेशन आपको यहां पर करवाना पड़ेगा मेरे दोस्त। अच्छा सर बिल्कुल सही बात है। और एक बात और बताऊं, अब की बार नॉट मोदी सरकार, अब की बार सरकार 21 दिन का टाइम मांगेगी, नॉट 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज कब है, जब आप आधार ऑथेंटिकेट करवाते हो। दोस्तों जब आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाते हो तो आपको यहां पर मिलते हैं 21 डेज। ऑफिसर को ज्यादा टाइम दिया गया है, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा जाके देखेगा, समय लगेगा, वैसे भी कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और दोस्तों वो आपको एक नोटिस दे सकता है GST REGGO 3 में। सर ये किस बात का नोटिस होता है, मान लो उसको कोई डाउट लगे, कंफ्यूजन लगे, वो आपसे क्वेरी कर सकता है।
अच्छा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है, एक और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है, पता है क्या, बताता हूं आपको, एक और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है। ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ना, इसकी जगह आजकल वेरिफिकेशन बाय डॉक्यूमेंट भी होता है। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह एक और वेरिफिकेशन होने लग गया। हाँ, पता है उसका नाम क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जो जॉइंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर होते हैं, उनसे अप्रूवल लेने के बाद प्रॉपर ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकता है। सर, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट मांग ले, भाई देखिए पासपोर्ट में कौन सा एड्रेस है ना, आपका वोटर आईडी कार्ड मांग ले, उसके एड्रेस से चेक कर ले, है ना। कोविड की सिचुएशन है ना भाई, तो ये एक नया तरीका इजाद कर लिया लोगों ने। लेकिन ये तरीका भाई अभी जब जॉइंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर से पीओ क्या ले ले, परमिशन ले ले। अच्छा, एप्लीकेशन अगर डेफिशिएंट है तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर एक नोटिस मिला करता था जिसमें 3 वर्किंग डे के अंदर आपको जवाब देना पड़ता था और ऑफिसर 7 वर्किंग डे में आपका रजिस्ट्रेशन करके दे देता था। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैं आपको यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, फाइनल समरी ये है भाई, अगर आप आधार ऑथेंटिकेट कराओगे तो वो पुरानी जो टाइम लिमिट थी 3 वर्किंग डे और 7 वर्किंग डे वो लगेगी, ठीक है, और उसके अंदर आपको ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन जो सबमिशन की डेट है वो कब मानी जाएगी एप्लीकेशन को, जिस दिन आधार ऑथेंटिकेट कराओगे वो दिन, और एप्लीकेशन के दिन से 15 दिन विच एवर इज अर्लियर, राइट। जो लोग आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाएंगे दोस्तों, या करवा सकते थे लेकिन फिर भी नहीं करवा रहे, ऐसे लोगों के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी रहेगा और उसके लिए 21 डेज का टाइम ऑफिसर को दिया गया है। और डाउट होने पर 21 डेज और लगाएगा ऑफिसर एप्लीकेशन को फाइनली अप्रूव करने के लिए। दिस इज द अमेंडमेंट एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर यहां कोई भी डाउट क्वेरी पूछना चाहता है तो भाई पूछ सकता है, आप लोगों के लिए मैदान खुला है, भाई पूछ लो कोई भी डाउट और कंफ्यूजन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन अगर आपको है तो पूछ लो। हाँ यश भैया, शायद ये भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, आवाज बताइए सर। एक बार ये आपने जो बताया है आधार कार्ड का, आधार वेरिफिकेशन सर, एक बार ये वापस रिपीट कर दीजिए, इसको रिक्वायरमेंट है इसकी? इसकी रिक्वायरमेंट सभी लोगों को तो है, इंडिविजुअल लोगों में तो इंडिविजुअल का आधार ऑथेंटिकेट होता है, फर्म के पार्टनर्स का आधार ऑथेंटिकेट होता है, कंपनीज में डायरेक्टर्स का आधार ऑथेंटिकेट होता है, लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी है जहां पर आधार ऑथेंटिकेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ऐसा पर्सन जो नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो इंडिया में आके बिजनेस करेगा, तो यू ऑलरेडी नो कि उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज एन NRTP, तो वहां पर आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई गवर्नमेंट कंपनीज है, वहां पर रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट भी करवाती है अगर बिजनेस कर रही है, तो ये तो एक्सेप्शनल लोग हैं भाई, यहां पर तो आधार ऑथेंटिकेशन करना ही नहीं है। तो यहां पर तो वही नॉर्मली जो 3 वर्किंग डे और 7 वर्किंग डे जो पुराना प्रोविजन था वो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन सभी को आधार ऑथेंटिकेशन अब नेसेसरी है। आधार ऑथेंटिकेशन करवाने पर टाइम कम लगेगा, वही जो आपका 3 वर्किंग डे था 7 वर्किंग डे था वो एप्लीकेबल होगा। बस डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की मीनिंग में चेंज है कि भाई डेट ऑफ सबमिशन कब माना जाएगा, जिस दिन आधार ऑथेंटिकेट करोगे वो दिन, और जिस दिन आप पार्ट बी वाला फॉर्म फिल करोगे उससे 15 दिन विच एवर इज अर्लियर। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे देश में लोग हैं भाई जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया है, वो ये कहते हैं जी हमारा तो मोबाइल से कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब वो कष्ट नहीं करना चाहते और उनको GST नंबर लेना है। तो ऐसा नहीं है कि उनको GST नंबर नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा, बस उसके लिए सरकार थोड़ा सा सतर्क है। कैसे?
गवर्नमेंट कहती है भाई ऐसे महान लोगों का हम जाकर देखेंगे उनका प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो आधार तो ऑथेंटिकेट करवा नहीं रहे, तो हम वहां जाकर देखेंगे, वो जगह चेक करेंगे जहां पर प्लेस ऑफ बिजनेस है। लेकिन अब आपको पता है अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड के टाइम में कई जगह रेस्ट्रिक्शन है, डर होता है भाई कोरोना का, तो सरकार ने एक नया तरीका निकाल दिया कि यार अगर फिजिकली वेरिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो वेरिफिकेशन भाई डॉक्यूमेंट कर लो, ठीक है। अच्छा यहां सरकार ने टाइम लिमिट बढ़ा दी, वो जो 3 वर्किंग डे आप पढ़े थे ना उसको 21 दिन कर दिया, ठीक है, 21 दिन का टाइम है सरकार के पास रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, आधार तो सर उनके पास है ही ना, किस चीज का फिर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे? मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट को इसमें लॉ के अंदर बताया नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जीएसटी नंबर लेने के लिए, ठीक है, और मैंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, एज ए प्रोपराइटर एज ए इंडिविजुअल प्रोपराइटर मैं एक रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाया, ठीक है जी। अब मुझे रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं देंगे जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा प्रमाइसेज का। अब कोविड टाइम में बड़ी प्रॉब्लम है यार, फिजिकल वेरिफिकेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है ऑफिसर्स को, तो सरकार बोली भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू कर दो आप। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बताया नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट, मैं अपनी जनरल नॉलेज से आपको बता रहा हूं। जैसे ऑफिसर का फोन आया या ऑफिसर की मेल आई मेरे पास में जो अपना जीएसटी पोर्टल है, तो उन्होंने कहा भाई आपके पास पासपोर्ट है क्या? मैंने कहा जी हाँ है। बोले आप आपका पासपोर्ट जो है ना उसकी कॉपी भेजो हमारे को पोर्टल पे, तो मेरी पासपोर्ट में जो एड्रेस है उससे वो मेरे डॉक्यूमेंट्स को मैच कर लेंगे कि भाई ये कहां रजिस्ट्रेशन चाह रहा है, तो पासपोर्ट के बेसिस पर वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट इतना इजीली नहीं बनता है दोस्त, पासपोर्ट बनने के लिए बहुत नाटक होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो पासपोर्ट को बेस बना लेंगे या कोई अदर डॉक्यूमेंट बेस बना सकते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट क्या होगा दैट इज नॉट गिवन बाय द लॉ। बस ये लिखा है कि ऑफिसर अपनी डिस्क्रिशन पर किसी अदर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे सकता है, ठीक है, ये लॉ के अंदर दोस्तों यहां पर मेंशन किया गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला स्टेटमेंट, है ना? चलो जी, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो हमारा नेक्स्ट यहां पर चेंज है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं भाई। आप लोगों को पता है दोस्तों कि जब डिपार्टमेंट को आप सारी इंफॉर्मेशन दे देते थे, डॉक्यूमेंट दे देते थे, और वो अगर आपका रजिस्ट्रेशन 7 वर्किंग डे में नहीं करके देता था तो रजिस्ट्रेशन को डीम्ड टू बी ग्रांटेड मान लिया जाता था, ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने? क्या ये बात दोस्तों आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी मुझे बताओ, कि अगर मान लो आपने सब कुछ दे दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन भी दे दी, सारे काम आपने कर दिए, उसके बाद भी वो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन को डीम टू बी ग्रांटेड मान लिया जाता था, ऐसा होता था ना? हाँ सर, बिल्कुल होता था जी। तो वही सेम बात दोस्तों अभी भी है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपको नहीं दिया जाता है, बस इतना सा है कि वो जो टाइम पीरियड आप 3 वर्किंग डे पढ़ते थे ना उसको यहां पर अब 21 दिन कर दिया है, क्योंकि अब 21 दिन का टाइम है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाओगे तो 21 दिन ऑफिसर के पास है, अगर वो 21 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन करके नहीं देता है तो भी डीम टू बी ग्रांटेड मान लिया जाएगा। तो और कोई चेंज नहीं है, केवल आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाने वालों के लिए द टाइम लिमिट हैज बीन 21 डेज। 21 दिन में अगर वो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं या कोई क्वेरी उन्होंने जनरेट करी थी और आपने क्वेरी का जवाब दे दिया था दोस्तों, उसके 7 वर्किंग डे के अंदर अगर वो आपका रजिस्ट्रेशन आपको करके नहीं देते हैं तो रजिस्ट्रेशन को डीम्ड टू बी ग्रांटेड मान लिया जाएगा। दिस इज द चेंज। तो चेंज एज सच कुछ नहीं है, वो तो जो टाइम लिमिट चेंज हुई थी उसी के कारण डीम्ड टू बी ग्रांटेड वाली बात को भी इन्होंने यहां पर थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है। बोलो भाई, समझ में आया सभी लोगों को? पक्की बात है जी सर। चलो अब दोस्तों पर बात करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन की, कि सर मान लो आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ था और ऑफिसर पहुंच गए जी जो एप्लीकेंट है उसकी बिजनेस प्रमाइसेस पर, और वहां पर जाकर उन्होंने जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया, तो सर पता कैसे चलता है कि वो लोग वहां पर आएंगे फिजिकल वेरीफाई करने? पता कैसे चलता है? अरे पता कैसे चलता है, वहां पर सेल्फी लेंगे आपके साथ, फोटो खिंचाएंगे, हाँ
लेकिन ये सेल्फी कहीं फेसबुक पे मत डाल देना, कहीं इंस्टा पे डाल दो ना भाई ना, ये जीएसटी पोर्टल पर चढ़ाई जाएंगी। वो जो ऑफिसर आपके वहां वेरिफिकेशन करने आएगा ना, तो वो आपके साथ फोटो खिंचाएगा वहां पर, और आपकी भी फोटो खींचेगा वहां दुकान के सामने खड़ा करके, और उसके जो फोटोग्राफ होंगे उनको अपलोड करेगा, उनको क्या किया जाएगा भाई, अपलोड किया जाएगा। ये क्या हो गया? हाँ, उनको अपलोड किया जाएगा दोस्तों, उनको अपलोड किया जाएगा। कितने वर्किंग डे में? 15 वर्किंग डेज में, 15 वर्किंग डे में, फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिफिकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिफिकेशन उनको कॉमन जो पोर्टल होता है दोस्त, उसके ऊपर अपलोड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा दोस्त। तो ये बात आई थिंक आप लोगों को यहां पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बात तो खैर पहले से भी थी, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपको फटाफट से दोस्तों इनवॉइस पर लिए चलता हूं। इनवॉइस के अंदर भी चेंजेस आए हैं, और क्या चेंजेस हैं दोस्तों मैं बता देता हूं। प्रोसीजरल पार्ट चेंज हुआ है जीएसटी का इस बार। इनवॉइस में क्या चेंज है दोस्तों, आप लोग सब जानते हो कि जीएसटी के अंदर है ना एक नया कॉन्सेप्ट ई इनवॉइसिंग का एप्लीकेबल हो गया है। ई इनवॉइसिंग 1 अप्रैल से ई इनवॉइसिंग सिस्टम एप्लीकेबल हो गया है। लेकिन दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारी कंट्री में कितने लोग हैं जिनको भाई वो यूजर फ्रेंडली है, जिनको इंटरनेट वगैरह नेट वगैरह सब ये सब चीजें आती है, कंप्यूटर लैपटॉप चलाना अच्छे से आता है। तो सरकार ने ई इनवॉइसिंग का सिस्टम एप्लीकेबल तो कर दिया, लेकिन क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल किया है? ना जी ना, हो ही नहीं सकता। इंडिया जैसे देश में कैसे कर सकते हैं एकदम से? तो उन्होंने बोला कि देखो सबसे पहली बात तो ये है भाई कि जो भी टैक्स इनवॉइस अब बनेंगे उनके अंदर एक QR कोड डालना पड़ेगा। QR कोड होगा दोस्तों, QR कोड और इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा उसके अंदर। अब आपको मैं बता दूं भाई ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको ई इनवॉइसिंग जरूरी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन महान लोग हैं भाई जिन्हें अब सप्लाई देते समय ई इनवॉइस रेस करना पड़ेगा। भाई ये कौन लोग हैं, चलो पहले बता देता हूं, फिर ये दोबारा आऊंगा इसी पॉइंट पर। इन्होंने क्या किया है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। ये देखो मैंने नीचे लिख रखा है ई इनवॉइसिंग रूल नंबर 48 के अंदर यहां पर चेंज है। इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाई, किसको जरूरी है अभी इनवॉइस, ध्यान से सुनना, वो लोग, वो रजिस्टर्ड पर्सन जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, उन्हें अब ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, ई इनवॉइस। और जब जब वो लोग ई इनवॉइस जनरेट करेंगे तो उसके अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा, और ये पोर्टल से बनेगा टैक्स की चोरी को रोकने के लिए दोस्तों। ये कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब इनवॉइस के लिए आपके पास वो एक इनवॉइस बुक है वो नहीं चलेगा सिस्टम, अब इनवॉइस सीधा जीएसटी पोर्टल से बनेगा। तो टैक्स की चोरी सरकार ने उसको रोकने के लिए इनवॉइसिंग का कदम उठाया। अच्छा उससे क्या होगा, सरकार को पता लग जाएगा और वो ई वे बिल रिटर्न में ये सब काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अरे जब बिल ही पोर्टल के थ्रू बनेगा दोस्त, समझो मेरी बात, तो रिटर्न भी अपने आप तैयार होगी आपकी, वो जो ई वे बिल बनाना पड़ता था वो भी ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो ये सारी बात है दोस्तों ई इनवॉइसिंग के बारे में। लेकिन सर क्या ये सब पर एप्लीकेबल है? ना जी ना, सब पर कैसे होगा, ध्यान से सुनकर जाना। नोटिफाइड पर्सन, ओ माय गॉड, नोटिफाइड पर्सन पर लागू होगा ये ई इनवॉइसिंग सिस्टम। जितने भी रजिस्टर्ड लोग हैं भारत में, इंडिया में, अदर देन 54.2.3.4.4.A। अब आप कहोगे सर ये क्या है 54.2, 54.3, 54.4, 54.4A। अच्छा कोई बताएगा आप में से कोई स्टूडेंट कि ये अरे ये स्पेशल प्रिविलेज लोग हैं, बताऊं इनके नाम आप लोगों को याद दिलाता हूं। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो जो सिनेमा जो मूवी हॉल होता है वो आपको टिकट इशू करता है, तो ये इसमें नाम आता है पिक्चर की टिकट जो आपको मूवी दिखा रहे हैं उनका नाम। सर देखी नहीं, बताओ कोरोना आ गया कितने दिन से, घर पे बैठो चुपचाप से, सुनो मेरी बात सुनो।
जितने भी मल्टीप्लेक्स जो थिएटर होते हैं या जो जीटीए की सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विस है ना, और कौन या एयरक्राफ्ट जो एयरलाइंस होती है वो टिकट इशू करती है, या बैंकिंग कंपनीज, याद आया दोस्तों, इनको कभी ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी जितने भी लोग हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर माय डियर फ्रेंड्स, हूज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18, ओहो, जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है 2017-18 से, किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर किससे ज्यादा हो गया दोस्त, 500 करोड़ से ज्यादा हो गया, वेदर इट इज इन रिलेशन टू गुड्स, वेदर इट इज इन रिलेशन टू सर्विस, और वेदर इन रिलेशन टू बोथ, गुड्स का मामला हो, सर्विस का मैटर हो, या दोनों का मैटर हो, ठीक है, और एक्सपोर्ट ऑल्सो, बस दो चीजें लेनी है दोस्तों। एक तो आपने जो एक्सपोर्ट सप्लाई करी है उसका टर्नओवर जुड़ेगा एग्रीगेट में, ध्यान से सुन लो, जो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो जुड़ेगा एग्रीगेट में, और एक जो आप नॉर्मली इंडिया में माल बेच रहे हो वो जुड़ेगा। अगर आप किसी भी ईयर में 500 करोड़ से ज्यादा, 17-18 से जब जीएसटी चालू हुआ है, अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो ही माय डियर फ्रेंड आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज भाई गली में किराने की दुकान वाला कहां से इनवॉइस बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लोग हैं प्रिविलेज लोग, मूवी दिखाने वाले, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाले लोग, ये तो भाई 1,000 करोड़ का भी टर्नओवर कर देंगे ना तो भी इनवॉइस जरूरी नहीं है। एक और है जिसको एक्सक्लूड किया है, सेज, अगर आपकी यूनिट कहां पर लगी हुई है सेज में तो भी आपको इनवॉइसिंग इज नॉट नेसेसरी। तो किन किन लोगों के लिए इनवॉइस जरूरी नहीं है भाई, जो स्पेशल प्रिविलेज पर्सन है सेक्शन 54 में और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट है उनका टर्नओवर तो 1,000, 1,500 कितने भी 1,000 करोड़ हो जाते हैं, उनको नहीं जरूरी। अच्छा, बाकी लोगों को कब जरूरी है, जब टर्नओवर किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में किससे ज्यादा हो जाए, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए, वेदर इन रिलेशन टू गुड्स, वेदर इन रिलेशन टू सर्विस। अच्छा, इसमें दोस्तों एक्सपोर्ट का टर्नओवर भी ऐड होगा, यहां पर एक्सपोर्ट का टर्नओवर भी ऐड होगा, राइट। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये इनवॉइस बनेंगे कैसे, हमारे यहां तो वैसे ही साइट नहीं चलती है। अरे भाई, इन लोगों ने जो नॉर्मल जो हमारा कॉमन जीएसटी पोर्टल है उसके थ्रू इनवॉइस नहीं बनेगा, अलग से देखो कितने सारे पोर्टल डेवलप किए हैं, 10 पोर्टल डेवलप किए हैं, ताकि एकदम से जो है ट्रैफिक अगर स्लो नहीं कर दे प्रोसेसिंग को, ये से पोर्टल बनाए इनवॉइसिंग के जिसके थ्रू बिल जनरेट होगा भाई। ओके सर, बात समझ में आई, बिल्कुल जी बिल्कुल आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया। सर ये सबसेक्शन 5 क्या बोलता है दोस्तों? सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर आपको इनवॉइस बनाना जरूरी था, आप सब रूल 4 में आते थे, आपके लिए इनवॉइस इज मैंडेटरी, लेकिन आपने इनवॉइस नहीं बनाया तो लॉ ये कहता है ऐसे माना जाएगा कि जैसे आपने इनवॉइस ही नहीं बनाया। ओ माय गॉड, मतलब मेरे ऊपर ई इनवॉइस जरूरी था, लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया जी, मैंने ई इनवॉइस नहीं बनाया, और मैंने तो वही भाई मेरे पास जो बिल बुक होती थी उसी में प्रिंट करके दे दिया, तो लॉ कह रहा है हम इसको ऐसे मानेंगे जैसे आपने बिल बनाया ही नहीं। अच्छा ओके, समझ गया सर, बात समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। तो ये बात थी भैया इनवॉइस के बारे में। चलो अब इनवॉइस के साथ साथ हम ईवे बिल के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। अच्छा, ईवे बिल में कोई स्पेशल अमेंडमेंट नहीं है, वो जो आपने अभी अभी इनवॉइस पढ़ा था ना उसी के बारे में। हाँ, पहले मैं एक चीज छोड़ गया था भाई, HSN कोड, एक चीज मैंने छोड़ दी थी भाई पहले, वो बता दूं आपको, HSN कोड। HSN कोड आप लोग समझते होंगे, ये सब फालतू की भी बात है, ये सब हटा दिए हैं लॉ में से। HSN जो कोड होता था ना, HSN कोड,
ये गुड्स और सर्विस के लिए कोड नंबर होता था भाई। अच्छा, बोर्ड को यहाँ पावर दी गई है कि वो इनवॉइस में एचएसएन कोड लिखने के लिए कंपलसरी कर सकता है। एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा, अगर आप इनवॉइस जनरेट करोगे तो वहां भी लिखना पड़ेगा। किसको कितना लिखना पड़ेगा, कितने डिजिट का एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा दोस्तों, वो मैं अभी अभी आपको बता देता हूं। तो भाई सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा, ईवे बिल तो आप लोग को वो याद है, थोड़ा सा ईवे बिल के बारे में बता दूं। ईवे बिल याद है आपको, ईवे बिल कब बनता है, जब 50,000 से ज्यादा की वैल्यू होती है ईवे बिल। दोस्तों ईवे बिल आपको फिजिकल फॉर्मेट में लेके जाना पड़ता है, इनवॉइस भी साथ में होना चाहिए जब आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे होते हो। लेकिन दोस्तों यहां पर सरकार ने बोला कि अगर आप ईवे बिल बना रहे हो, ईवे बिल, अच्छा ईवे बिल सबको जरूरी नहीं है, 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को अब इनवॉइस फिजिकल फॉर्मेट में नहीं ले जाना पड़ेगा। जो क्यूआर कोड होता है ना, क्यूआर कोड, वो अपने मोबाइल में क्यूआर कोड दिखाएंगे, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, बस वही सफिशिएंट है। अलग से आपको कोई फिजिकल फॉर्मेट में नहीं लेकर जाना पड़ेगा भाई। जो क्यूआर कोड है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जो ईवे बिल के, जो इलेक्ट्रॉनिक बिल के अंदर चढ़ता है, बस वही सफिशिएंट कंप्लाइंस है। अलग से कोई डॉक्यूमेंट ऑफिसर आपसे नहीं मांगेगा, जो फिजिकल कॉपी होती थी वो नहीं मांगेगा वो आपसे। फिजिकल का गया जमाना, पेपरलेस प्रोसीजर करने जा रही है गवर्नमेंट दोस्तों। आई थिंक समझ में आ रही होगी बात आपको। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रिटर्न्स दोस्तों, रिटर्न्स के अंदर भी एक बहुत छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा सा। आप लोगों को पता है GSTR 1 जाता है, GSTR 1 में हम आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं, याद है आप लोगों को। इसके अलावा GSTR 3 भी जाती है अगले महीने की 20 तारीख तक। और जो कंपोजिशन वाले होते हैं उनको रिटर्न तो साल में एक बार भरनी पड़ती है, लेकिन उनका जो टैक्स होता है वो क्वार्टरली जमा होता है, याद है आपको। और वो जो है CMP 08 फॉर्मेट है, उसमें उनका टैक्स जमा होता है क्वार्टरली। दोस्तों सरकार ने ये कहा कि अगर किसी का जो आउटवर्ड सप्लाई है वो निल है, किसी ने बिजनेस ही नहीं किया, अभी कोविड सिचुएशन में बहुत लोगों के धंधे बंद रहे, या अभी फिर से इंडिया में वो सिचुएशन बन गई है, तो दोस्तों अगर आपका निल स्टेटमेंट है, अगर आपकी निल रिटर्न है, तो आप परेशान मत हो, आप एक सिंपल SMS के थ्रू भी अपनी रिटर्न भर सकते हो। ओ माय गॉड, SMS, हाँ जी बिल्कुल, आपको स्मार्टफोन भी नहीं चाहिए, बटन वाला फोन होगा ना, उसमें SMS कर दो निल लिख के, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको एक मैसेज करना है, OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर दो, बस वही सफिशियंट कंप्लाइंस है। निल वाली जो रिटर्न होगी, निल वाले जो स्टेटमेंट होंगे, चाहे वो GSTR 1 हो, चाहे वो GSTR 3 भी हो, चाहे वो आपका GST का जो CMP 08, जो क्वार्टरली आप टैक्स जमा कराते हो, उसका स्टेटमेंट हो, अगर वो निल है दोस्तों, तो केवल SMS से काम हो जाएगा, केवल SMS, और कुछ नहीं चाहिए, SMS से काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा HSN की डिटेल बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार के एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनो, पहले क्या होता था कि एक नोटिफिकेशन था कि भाई इतने टर्नओवर तक वालों को तो HSN कोड लिखना ही नहीं है, फिर यहां से यहां तक वालों को 2 डिजिट लिखना है, यहां से यहां तक 4 डिजिट लिखना है, वो सब हटा दिया दोस्तों गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट क्या कहती है सुनो, आपका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखेंगे हम, आपका पिछले साल का टर्नओवर क्या था, राइट, और उस टर्नओवर के बेसिस पर आपके HSN कोड की समरी आपको डालनी पड़ेगी इनवॉइस में। अच्छा, अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ था इन एनी प्रीसीडिंग ईयर, अगर एनुअल टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज्यादा नहीं था, तो आपको HSN कोड 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा। HSN कोड होता है गुड्स और सर्विसेज के बारे में, और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था, ओ माय गॉड, 5 करोड़ से ज्यादा था, तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड लिखना पड़ेगा। तो अब भैया HSN कोड लिखना सबके लिए जरूरी है ना, अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर है प्रीसीडिंग ईयर में तो 4 डिजिट का HSN कोड लिखो, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर है तो 6 डिजिट का HSN कोड लिखो। ये एग्जाम में भैया क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के, सावधान रहिएगा।
एनुअल रिटर्न के बारे में चेंज हो गया। आपको पता है दोस्तों, पहले एनुअल जो रिटर्न होती थी उसके साथ में ऑडिट करवानी पड़ती थी, और ऑडिट का जो टर्नओवर होता था इसको बढ़ा दिया गया था। टर्नओवर को जो भी सीए और सीएमए होते थे वो ऑडिट करते थे, है ना, जीएसटी ऑडिट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वो जो ऑडिट की जो लिमिट है दोस्तों, उसे 5 करोड़ कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। द लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 5 करोड़। द लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 5 करोड़। समझ में आया भाई? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चले जी आगे बढ़े, पेमेंट वाले सेक्शन में जबरदस्त चेंज है दोस्तों। और यहां से तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये मान लो जी एग्जाम में क्वेश्चन छिप गया आपके, पक्का आएगा, प्रैक्टिकल लिख के रख लो आप लोग, यहां से तो पक्का आएगा। इसको मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगा दोस्त, बहुत ध्यान से समझना। आई थिंक यही हमारा लास्ट अमेंडमेंट है और फिर हमारे अमेंडमेंट हो जाएंगे जी खत्म। तो ये हमारा लास्ट अमेंडमेंट है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे इसको नहीं समझ जाएंगे भैया, एग्जाम में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। सुनो मेरी बात सुनो, अगर हम टैक्स को पे करने में डिले करते हैं, अगर हम जीएसटी जमा कराने में डिले करते हैं, तो भैया डिले के ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, पता है ना आप लोगों को? हाँ सर हमें पता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसका सेक्शन होता है 50, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो 18% पर एनम होती है, ये भी आपको पता है, 18% पर एनम। जितने दिन लेट करोगे उतने दिन का इंटरेस्ट होता है, ये भी हमको पता है। दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी और अमेंडमेंट क्या हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करो मेरा 1 लाख रुपए का टैक्स है, 1 लाख रुपीज मेरा जो है भाई वो 1 लाख रुपए का टैक्स है, 1 लाख, ये मेरा टैक्स था, ठीक है भाई। अब सपोज करो जी ये मेरी जनवरी 2021 की लाइबिलिटी थी जीएसटी की, जो मुझे पे करनी थी। अच्छा आप जानते हो दोस्तों की जो 3B जाती है, 3B उसकी ड्यू डेट होगी यहां पर 20 फरवरी, 20th फेब होती है ड्यू डेट। ड्यू डेट जो है वो 20 फरवरी होती है, अगले महीने की 20 तारीख। अच्छा जो रिटर्न की ड्यू डेट होती है वही टैक्स जमा कराने की ड्यू डेट होती है, पता है आपको। अब मैंने भाई ये जो टैक्स जमा कराया ना, ये हमने 8th of March, ओहो 8th of March को भाई हमने टैक्स जमा कराया, मतलब मेरी ड्यू डेट थी 20 फरवरी, 20th फेब, एंड आई एम डिपोजिटिंग द टैक्स ऑन 8th of March, सो इट इज अ डिले माय डियर फ्रेंड्स। कितने दिन का डिले गिनेंगे? तो भैया जहां ड्यू डेट होती है ना 20 फरवरी उसके बाद से हम डिले गिनते हैं, तो फरवरी के 28 दिन होते हैं, तो भैया 8 दिन तो फरवरी के ले लो और मार्च के 8 दिन ले लो, टोटल 16 दिन की डिले है। अच्छा 20 फरवरी को नहीं गिनेंगे, अगले दिन से गिनते हैं, तो हमारा 16 डेज का डिले हो गया जी, 16 दिन का डिले हो गया। अब सुनना मेरी बात, 16 दिन का डिले हो गया तो मैं क्या करूंगा भाई, ये जो 1 लाख रुपए है इसके ऊपर 18% पर एनम से इंटरेस्ट दूंगा 16 दिन का, ठीक है। ये मेरा इंटरेस्ट अमाउंट आएगा जो मुझे पे करना था, 18% 16 दिन का मैं इंटरेस्ट दूंगा। दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी वो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। सपोज करो माई डियर फ्रेंड्स, सपोज करो यहां पर क्या हुआ जी, मेरा 80,000 का ITC था, ओहो मतलब मैं ITC ले सकता था 80,000 रुपए का और 1 लाख मेरा टैक्स बनता था, सो इट इज माई ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मुझे तो नेट तो 20,000 ही पे करना था भाई, अगर मेरा ग्रॉस टैक्स 1 लाख रुपए बनता है और मेरी ITC यहां पर 80,000 है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो भाई मुझे 20,000 ही तो पे करना था, मुझे जो अमाउंट पे करना है वो तो 20,000 ही करना है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता था कि भाई जो इंटरेस्ट लगना चाहिए वो ग्रॉस पे लगना चाहिए या नेट पे लगना चाहिए। भाई अब ये लॉ में क्लियर कर दिया गया, इट इज वेरी डाउटफुल मैटर कि ये जो इंटरेस्ट लगेगा वो नेट पर लगेगा, क्योंकि सरकार को नुकसान 1 लाख के इंटरेस्ट का थोड़ी हुआ, 80,000 तो गवर्नमेंट पहले से लेकर बैठी है ना। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा भाई वो 1 लाख पर ना लग के 20,000 पे लगेगा, मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा
20,000 इंटू 18% और वो भी 16 दिन का 16 डेज का देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सावधान हो जाना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये अमेंडमेंट उन लोगों के लिए है जो बेहद ईमानदार लोग हैं। अच्छा, बेहद ईमानदार कौन? जो खुद चलकर सरकार को टैक्स और इंटरेस्ट जमा कराते हैं, खुद कहते हैं सरकार मेरे से देरी हो गई, ये लो जी टैक्स, ये लो जी इंटरेस्ट। तब तो इंटरेस्ट लगेगा नेट अमाउंट पे, ध्यान से सुनना, नेट अमाउंट मतलब फॉर एग्जाम्पल 20,000 पे। लेकिन अगर सपोज करो दोस्तों सरकार ने आपको पकड़ा, अगर आपका टैक्स लेट जमा था और सरकार ने नोटिस दे दिया सेक्शन 73 और 74 में, भैया जब आप टैक्स जमा नहीं कराते हो तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है सेक्शन 73-74 में। तो अगर सरकार ने आपको पकड़ा दोस्तों और फिर आपसे कहा ला भाई टैक्स जमा करा, तो उस टाइम चाहे आईटी कितना भी पड़ा हो, अब इंटरेस्ट ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा। ओ माय गॉड, तो ये जो नेट पर पे करने वाली बात है ना, नेट लाइबिलिटी पर, ये तब है भाई जब आप खुद से टैक्स जमा कराते हो। जब आप टैक्स खुद से जमा नहीं कराते हो, डिपार्टमेंट आपको नोटिस देता है अंडर सेक्शन 73 और अंडर सेक्शन 74, तो दोस्तों वहां पर ग्रॉस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दिस इज द अमेंडमेंट, आप इसको पढ़कर देख सकते हैं पूरी लॉ की लैंग्वेज जो मैंने भी आपको समझाई है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे आज के जीएसटी अमेंडमेंट जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में एप्लीकेबल होंगे, वो सब मैंने आपको यहां कराए हैं, राइट? तो आप लोग तैयार हो जाइए एग्जामिनेशन के लिए। और कहते हैं ना भाई, ना किसी का फेंका हुआ मिले और ना किसी का छीना हुआ मिले, मुझे वो मिले दोस्तों जो मेरी किस्मत में है, और अगर वो भी ना मिल सके तो कोई गम नहीं, मुझे अपनी मेहनत का किया हुआ मिले। तो दोस्तों इट इज अ टाइम टू हार्ड वर्क, अभी पेंडेमिक चल रहा है, घर पर आप लोग जो है बंद हो गए हो, और एग्जाम्स भी अभी पता नहीं है भाई शेड्यूल डेट पर होंगे नहीं होंगे, बहुत टफ टाइम है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रही है, किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है, किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे टाइम पर दोस्तों मुझे पता है कि स्टडीज में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन आपको, आपके पास और कुछ ऑप्शन है नहीं ना भाई, क्या कर सकते हो आप लोग। तो घर में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है भाई, हेल्प करिए, पढ़ाई भी सब कुछ नहीं है कि हम अपने बंद कमरे में बैठ जाएं, लेकिन जहां तक हो सके दोस्तों इस पैंडेमिक में जितनी मेहनत कर सकते हो करो, और बिल्कुल भी क्विट करने की मत सोचो। कहते हैं ना, नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, कश्ती बदलने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हवा के रुख को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आपको हवा का रुख बदलना है, और इस बार के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आप में से कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है भाई, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं हूं अभी तो शायद हमारे पास टाइम भी है, आप लोगों के डाउट्स मैं भी यहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को जो है, मैंने भी व्हाट्सएप नंबर दिया था, फिर से दे देता हूँ, तो इस पर आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि CA डॉक्टर अमित खांडल के नाम से है, उस पर जाकर ये नोट्स ले लीजिएगा, और भी बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट है, हैंड रिटन नोट्स है, वो ले लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा इस वाले वीडियो को मैं अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड कर दूं जो कि CA डॉक्टर अमित खांडल के नाम से है, तो अगर किसी का मिस हो गया हो, किसी ने बीच में ज्वाइन किया हो, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हो, अगर ये प्रॉपर वे में रिकॉर्ड हो गया है तो। तो अभी देखना पड़ेगा भाई, हमारे धनंजय भैया जो है इन्होंने रिकॉर्डिंग्स की है, रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो गई होगी तो मैं यूट्यूब चैनल पर भी इसको अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप अभी भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच मेघा, धनंजय और भी बाकी बहुत सारे लोग जो भी अभी इस वेबिनार के अंदर थे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल सेशन। थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू सो मच।